ओम शांति। 31 दिसंबर 1966 का प्रातः क्लास चल रहा था, तीसरी सेट के मध्यांत में बात चल रही थी, सहज राजयोग सन्यासी नहीं सिखा सकते, वो तो और ही कठिन बनाए देते हैं, हठ योग सिखाते हैं, ऐसी ऐसी बातें बच्चों को बुद्धि में रखनी चाहिए और इसमें खुशी बहुत रहनी चाहिए कि हम सहज राजयोग सीख करके विश्व के मालिक बनते हैं। ये पुरानी दुनिया अभी विनाश होनी है, मनुष्य तो घोर अंधेरे में है, कह देते हैं कल्प की आयु लाखों वर्ष है, कहते तो हमारे शास्त्रों को झूठा बनाते हो, तो तुम उनको बोलो कि देखो ये तो तुम्हारी भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं, इनमें ज्ञान कुछ भी नहीं है, भक्ति आती है रावण से और ज्ञान आता है एक राम से, ज्ञान से सदगति होती है और अज्ञान से दुर्गति होती है, भक्ति है ही अज्ञान, क्योंकि अनेकों की मति जो शास्त्रों में अनेक प्रकार की मति लिखी हुई है उससे भक्ति आती है, और बाप जो ज्ञान देने आता है, ज्ञान माना ही ज्ञानकारी, कहे की जानकारी सच्चाई की जानकारी, वो सच्चाई की जानकारी सिवाय एक सत्य बाप के और कोई दे नहीं सकता, इसको लोग कहते भी है वो है सी भी सत्य और होती भी सत्य, पहले भी सच्चा था अब भी सच्चा है आगे भी सच्चा रहेगा, अंग्रेज लोग भी कहते हैं गॉड इज द ट्रुथ, भगवान क्या है, सच्चाई का नाम भगवान है, क्योंकि उसका कोई स्थूल रूप नहीं है, वो इस शक्ति पर आता भी है तो उसका कोई स्थूल रूप दिखाई नहीं पड़ता, इन आंखों से भगवान नहीं देखा जा सकता, आत्मा ही इन आंखों से नहीं देखी जा सकती, जो आत्मा जन्म मरण के चक्र में आती है वो ही नहीं देख सकते तो परमात्मा बाप को कैसे देख सकते, वो तो अति सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म आकर के जो हमें देता है वो सच्चाई का ज्ञान देता है, अपनी सच्चाई देता है, मैं क्या हूँ, भगवान क्या चीज है, फिर हमारी सच्चाई देता है, तुम आत्माएं क्या चीज हो, फिर सारे सृष्टि का ज्ञान देता है, सारी सृष्टि में जो भी सच्चाई है वो बताता है, मनुष्य गुरु तो सच्चाई बता नहीं सके, क्यों, क्योंकि मनुष्य गुरु है जन्म मरण के चक्र में आने वाले, सभी मनुष्यात्माएं जन्म मरण के चक्र में आने वाली है, जो बंधन में आने वाली है, देह का बंधन लगता है, वो आगे पीछे के जन्मों को नहीं जान सकती, इसलिए गीता में भी उन मनुष्य गुरुओं ने लिखा हुआ है, एक वाक्य है भगवान का कि हे अर्जुन मैं तेरे आगे पीछे के जन्मों को जानता हूँ, तू नहीं जानता, मैं बताता हूँ, क्या बताते हैं,
नर अर्जुन अगर मेरी मत पर चलेगा तो नर से नारायण बन जाएगा, देवता बनेगा। अगर मनुष्य गुरुओं की मत पर चला या मन मत पर चला तो मनुष्य से भी नीची कोटि में जाएगा, राक्षस बन सकता है। कहते हैं नर राक्षस, और है भी ऐसे। मनुष्य सुधरता है तो देवता बन जाता है, मनुष्य बिगड़ता है तो राक्षस बन जाता है। सुधारने वाला है एक बाप, और मनुष्य शक्ति को बिगाड़ने वाले हैं अनेक मनुष्य गुरु। वो मनुष्य गुरु स्वयं को ही शिवो हम कह के बैठ जाते हैं। शिव माना कल्याणकारी, वो समझते हैं हम कल्याण करते हैं सारी सृष्टि का। अब सारी सृष्टि का कल्याण भोगी करेगा या अभोक्ता करेगा? भोग वासना लेने वाला, उसकी बुद्धि तो भोगों में आ सकते हैं, विकृत बुद्धि हो जाती है भोग भोगते भोगते। देवताएं भी 16 कला संपूर्ण वाले भोग भोगते भोगते नीचे स्टेज में आ जाते हैं। वो अभोक्ता बाप ही है जो इस सृष्टि पर आते हुए भी, पतित तन में आते हुए भी, पतित दुनिया में आते हुए भी भोक्ता न होने के कारण, अभोक्ता होने के कारण संग के रंग में लिंपायमान नहीं होता। कोई का उसको संग का रंग नहीं लगता। वो आकर के अपने ज्ञान के रंग में सबको रंगता है। सवाल ये है कि वो सबको एक जैसे रंग में क्यों नहीं रंग देता? अगर सबको एक जैसे रंग में रंग दे तो सब लक्ष्मी नारायण बन गए? नहीं, हिसाब है। टीचर पढ़ाई पढ़ाता है, पढ़ने वाले स्टूडेंट पढ़ते हैं, कोई अव्वल नंबर पास होता है क्लास में, कोई थर्ड क्लास पास होता है। पढ़ाई के ऊपर मदार है ना। ऐसे ही भगवान बाप आकर जब सच्चाई का ज्ञान देते हैं, उस ज्ञान को धारण करने वाले जितना दत्त चित्त होकर के पढ़ाई पढ़ते हैं उतना ऊंच पद पाते। ऊंच और नीच पढ़ाई से बनते हैं, इसलिए बाप कहते हैं जिसमें जितना ज्ञान वो उतना ही ऊंचे ठहरा। ज्ञानी आत्मा है तो हम समझते हैं ये बड़ा पद पाने वाला है, और ज्ञानी सिर्फ कोकड़ ज्ञानी नहीं, ऐसे नहीं जो ज्ञान सुनने वाला हो, दूसरों को सुनाने वाला हो, दिखावा बहुत करता हो, लेकिन अपने जीवन में ज्ञान को धारण नहीं कर सकता, वो दूसरों के जीवन में भी ज्ञान की धारणा नहीं करा सकता। जैसे रावण का मिसाल है, ब्रह्मा के हाथों में जैसे वेद शास्त्र दिखाए जाते हैं, वैसे रावण के हाथों में भी वेद शास्त्र दिखाए जाते। कहते हैं रावण प्रकांड विद्वान था,
ब्राह्मण था। उस प्रकांड विद्वान को सब राक्षस संप्रदाय मानते थे, देवात्माएं नहीं मानती। क्यों नहीं मानती थी? क्योंकि देवात्माओं में अंदरूनी धारणा होती है, दिखावे की धारणा नहीं होती। दिखावा विदेशियों से आता है। भारतवासी ज्ञान योग का दिखावा नहीं करते, किंतु गुप्त ज्ञान को धारण करते हैं। गुप्त पांडव बन करके रहते हैं, ये बाप कहते हैं तुम्हारा ज्ञान गुप्त, तुम्हारा दान गुप्त, मान गुप्त, तुम्हारा मर्तबा गुप्त। तुम हो ही गुप्त पांडव। जितना प्रत्यक्ष करेंगे, दिखावा करेंगे, उतना नीचे जावे। ज्ञान देने वाला 5000 साल इस सृष्टि पर गुप्त रहता है, बल दुनिया भगवान को याद करती है 2500 साल, लेकिन वो फिर भी गुप्त रहता है। गुप्त रहने के बाद जब इस सृष्टि पर आता है कलयुग के अंत में, तो भी गुप्त रहता है। अभी भी सन 36 से ये ज्ञान चल रहा है, और परमात्मा बाप अभी भी गुप्त है। अगर गुप्त न होता तो 1 सेकंड में अभी अभी निश्चय और 1 सेकंड में अभी अभी अनिश्चय नहीं होता। बच्चे घड़ी घड़ी निश्चय और अनिश्चय में आते रहते हैं। अनिश्चय में क्यों आते हैं? जब इतना विशाल ज्ञान आकर के दे देता है तो अनिश्चय में तो नहीं आना चाहिए, फिर क्यों अनिश्चय में आते हैं? क्योंकि वो गुप्त बाप अपने को अभी भी प्रत्यक्ष नहीं किए। उसका विरुद्ध है, मैं पहले अपने बच्चों को प्रत्यक्ष करता हूँ। फादर सोल सन, बाप बच्चों के साथ प्रत्यक्ष होता है, पहले प्रत्यक्ष नहीं होता। वो बाप साधारण बाप नहीं है। सारी मनुष्य सृष्टि का पिता जो प्रजापिता है उसमें प्रवेश करके आता है, मनुष्य मात्र के बाप में प्रवेश करता है, और ऊंचे से ऊंचे बाप कहा जाता है। जो भी धर्म पिताएं आए, वो धर्म पिताएं भी उस बाप की तरफ इशारा करके गए। उन धर्म पिताओं ने अपने को भगवान नहीं कहा, चाहे क्राइस्ट हो चाहे गुरु नानक हो, साहब ने उसकी ओर इशारा किया। तो वो उन धर्म पिताओं का भी बाप है। कितना ऊंचे ऊंचे बाप और कितना गुप्त होकर के आता है। तो हम भी जितना अपने पुरुषार्थ को गुप्त करके रखेंगे उतना हमारा फायदा होगा। गुप्त नहीं करेंगे, प्रत्यक्ष करेंगे तो हमारा नुकसान होगा। दान करने का भी ऐसे ही है। जो भी हम दान करते हैं, तन की शक्ति दान करते हैं चाहे धन की शक्ति दान करते हैं, अगर उसे प्रत्यक्ष कर देते तो वो
वो स्वर्ग की स्थापना नहीं कर सकता, क्योंकि दिखावे का दान हुआ, वो अपना फल इसी दुनिया में देकर के नष्ट हो जाएगा। बाप के यज्ञ में स्वर्ग की स्थापना के कार्य में वही धन सफल होगा जो गुप्त दान महाकल्याण की लिस्ट में आवेगा। एक हाथ देने वाला और एक हाथ लेने वाला, तीसरे को पता नहीं लगना चाहिए। देने वाला देते समय ये बुद्धि में न रखे कि हम देते हैं, उसकी बुद्धि में ये बात रहे कि हम देते नहीं हैं, हम लेते हैं, हम 21 जन्मों के लिए बाप की बैंक में जमा करते हैं जो हमको 21 जन्मों तक रिटर्न होकर के मिलता रहेगा, और 21 जन्मों के आधार पर 63 जन्म भी फल देता रहेगा। बाप किसी का रखता नहीं है, बाप तो ऐसे मनुष्य तन में आता है जो आत्मा स्वयं ही जन्म जन्मांतर की बहुत पुरुषार्थी होती है, चाहे राम हो और चाहे कृष्ण हो, इतने तीव्र पुरुषार्थी होते हैं कि एक ही जन्म में रंग से राजा बनने की क्वालिटी है उनमें। तो जो इतने पुरुषार्थी आत्माएं होंगी वो दूसरों से अपने लिए क्यों लेंगी, वो दाता होंगी, लेने वाला लेवता नहीं हो सकती। तो जिनकी बुद्धि में ये आता है कि हम देते हैं तब ये यज्ञ चलता है, तो ऐसा अहंकार रखने वाली आत्माओं का देना व्यर्थ हो जाता है। जो देता है वो मेरे अहंकारी बन करके देता है तो सफल होता है। वृक्ष फल देते हैं तो झुक जाते हैं, तो जो दान करता है, जिसको दान देता है उसके सामने झुक जाना चाहिए। कोई कोई ऐसे होते हैं यज्ञ में देते हैं और फिर तड़ी झाड़ते हैं, हमने इतना किया, हमको ये पदमान मर्तबा मिलना चाहिए। तो ऐसी आत्माओं का दिया हुआ जो धन है वो रजो प्रधान धन हो जाता है, वो सत्युगो त्रेता में फल नहीं देगा, वो कहाँ फल देगा, द्वापर कलयुग में जाके फल देगा। दान भी सतो प्रधान, रजो प्रधान और तमो प्रधान होता है, पुरुषार्थ भी सतो प्रधान, रजो प्रधान और तमो प्रधान होता है। दुनिया की हर चीज चार अवस्थाओं से गुजरती है, सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो और तमो। ज्ञान भी चार अवस्थाओं से गुजरता है, सतो प्रधान ज्ञान, सतो सामान्य, रजो प्रधान और तमो प्रधान। माया भी चार रूपों से गुजरती है, द्वापर युग के आदि में माया भी तमो प्रधान नहीं कही जा सकती, वो भी चार अवस्थाओं से होती है, गुजरती है। जो मायावी होते हैं, कामी क्रोधी लोभी मोही अहंकारी होते हैं, वो भी चार अवस्थाओं वाले होते हैं। जैसे कोई कामी है, काम की आंख पूरी नहीं होती है तो गोली मार देते हैं,
उदासी कर देते हैं तो उनको कैसा काम ही कहेंगे? सतो प्रधान या तमो प्रधान? तमो प्रधान काम ही। ऐसे ही क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है। ये विकार भी सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो और तमो होते हैं। तो दुनिया की हर चीज चार अवस्थाओं से पसार होती है। और तो और परमात्मा बाप आकर के जो पार्ट बजाता है और जिस तन में आकर के मुकर्रर पार्ट बजाता है, वो पार्टधारी भी चार अवस्थाओं से पसार होता है शूटिंग पीरियड में। सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो और तमो। इसलिए यादगार बनी हुई है वो ज्योति बिंदु शिव, जिसमें प्रवेश करता है वो लिंग रूप में पूजा जाता है। लिंग अलग और बिंदु अलग। बिंदु है प्रवेश करने वाला और लिंग है उस बिंदु को धारण करने वाला। लिंग के रूप में क्यों दिखाते हैं? क्योंकि लिंग को निराकारी स्टेज दिखाई गई, जैसे हाथ पांव नाक आंख कान का भान ही नहीं है, इंद्रियां होते हुए भी जैसे कि नहीं है, आंखों होते हुए भी, खुली होते हुए भी जैसे देखते हुए नहीं देखता, कान होते हुए भी चारों तरफ दुनिया में ग्लानी उड़ती है लेकिन सुनते हुए भी नहीं सुनता, ऐसे ही कोई भी इंद्रिय जैसे कि है ही नहीं, ऐसा पार्ट बजाता है। तो ऐसा पार्ट बजाने वाले को लिंग रूप दे दिया, माने कोई इंद्रियां नहीं दिखाई है, इंद्रियों से ही पार्ट बजाया जाता है। तो वो जो लिंग है, जो लिंग रूप है, शरीरधारी है, वो भी चार अवस्थाओं से प्रसार होते हुए भक्ति मार्ग में दिखाया गया। क्या यादगार है? कोई यादगार है? नहीं याद। हीरे का लिंग द्वापर युग में बनाया गया राजा विक्रमादित्य के द्वारा। फिर स्वर्ण लिंग बनाते हैं, सोने का लिंग। फिर रजत लिंग बनाते हैं, ताम्र लिंग बनाते हैं और पत्थर का लिंग बनाते हैं। तमो प्रधान हो गया है तो वो एक ही आत्मा, जिस आत्मा में वो सुप्रीम सोल प्रवेश करके पार्ट बजाता है, लेकिन शूटिंग पीरियड में भी चार अवस्थाओं से प्रसार होता है। वो सबका बाप है, ब्राह्मणों का भी बाप है, प्रजापिता ब्रह्मा कहा जाता है, देवताओं का भी बाप है, नर नारायण कहा जाता है, एडम आदम आदि देव कहा जाता है, क्षत्रियों का भी बाप है, क्षत्रिय राजा राम कहा जाता है। द्वापर में वो पहला वैश्य है और कलयुग में वो पहला शूद्र है। इसलिए कहते हैं बच्चे तुम्हारा बाप आया हुआ, हर रूप में तुम्हारा बाप आया हुआ। फिर बताते हैं कि वो कैसे तमो प्रधान बनता है।
क्या बताया? राम ही रावण बनता है और कृष्ण ही कंस बनता है। तो राम और कृष्ण तमो प्रधान हुए या सतो प्रधान हुए? क्या हुए? जब कंस और रावण बनते हैं तो क्या कहा जाएगा? तमो प्रधान हुए। क्यों बनते हैं? राम ही रावण क्यों बनता है? कंस ही कृष्ण क्यों बनता है? कृष्ण ही कंस क्यों बनता है? इसमें क्या कल्याण छुपा हुआ है? जो ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं भी ऐसा नीच पाट बजाती है, कोई कल्याण होगा या ऐसे ही? कल्याण क्या है? वो सबका बाप है ना। जब सबका बाप है तो बाप में तो ज्यादा ताकत होती है और बच्चों में नंबरवार शक्ति होती है। अति का पार्ट कौन बजा सकता है? जिसमें ज्यादा पावर होगी वो अति करेगा या जिसमें कम पावर होगी वो अति करेगा? जिसमें ज्यादा शक्ति होती है वो अति का पार्ट बजाता है। जब दुनिया बहुत ही पतित बन जाती है तो पतित दुनिया को अंतिम चरम सीमा पर पहुंचाने के लिए और उसको खलास करने के लिए, अंत करने के लिए अति का पार्ट बजाना पड़ता है। अति होती है तो अंत हो जाता है। फिर जिसमें शिव आता है और मुकर्रर रूप से पार्ट बजाता है वो तो कोई भी पार्ट बजावेगा। शिव माना कल्याणकारी, वो पार्ट अकल्याणकारी नहीं हो सकता। हर हालत में कल्याणकारी ही होगा। जो बोलेगा सो सत्य, कल्याणकारी बोलेगा। जो कर्म इंद्रियों से कर्म करेगा वो कर्म कल्याणकारी होगा। उन कर्म इंद्रियों से किया हुआ कर्म अकल्याणकारी हो ही नहीं सकता। अगर अकल्याणकारी होता तो उसका नाम शिव नहीं होता। शिव नहीं, सदा शिव, सदा ही कल्याणकारी है। आदि में पार्ट बजाता है तो भी कल्याणकारी, मध्य में पार्ट बजाता है तो भी कल्याणकारी, और अंत में अति का पार्ट बजाता है तो भी कल्याणकारी। वो बाप के रूप में है तो भी कल्याणकारी, टीचर के रूप में है तो भी कल्याणकारी, सदगुरु के रूप में है तो भी कल्याणकारी। अकल्याण होने का सवाल ही नहीं, क्योंकि वो अभोक्ता है। जो भोक्ता होता है, भोगी होता है, उसको लेप टेप लगता है। जो है ही अभोक्ता, उसको लेप टेप लगने का सवाल ही नहीं, और फिर कर्म बंधन बनने का सवाल नहीं। कर्म बंधन किसका बनता है? परम बंधन उनका बनता है जिनको अटैचमेंट पैदा होता है। वही संहार का कार्य, वही हत्या करने का कार्य हत्यारे करते हैं, डकैती डालते हैं और घरों में जाकर के हत्याएं भी कर देते हैं।
उनका पाप बन जाता है। और वही है क्या, एटमिक एनर्जी को विस्फोट करने वाले एटम बम फोड़ने वाले करते हैं और कराता है उनमें प्रवेश करके, कोई प्रेरणा देकर कराता है। सारे संसार की हत्या करा देता है। गीता में लिखा है उसके ऊपर कोई पाप नहीं करता। क्यों पाप नहीं करता? क्योंकि अभोक्ता की स्टेज पर होकर के कराता है। कोई भी कर्मेंद्रिय से कोई कर्म किया जाए और मन उसमें लिम्पायमान न हो तो कोई कर्म बंधन नहीं बनता। महबूब अपनी महबूबा को याद करता है, कारखाने में काम करता है, आंखें खुली हुई होती हैं, कोई आता है कोई जाता है उसे दिखाई नहीं पड़ता, उसे अपनी महबूबा दिखाई पड़ती है। क्यों नहीं दिखाई पड़ता? क्यों? उसका मन दूसरी जगह लगा हुआ था, इसलिए आंखें खुले हुए होते हुए भी वो अपने विषय को ग्रहण नहीं करता। तो ऐसे ही सभी इंद्रियों का यही नियम है, जो इंद्रियां अनासक्त हो जाती है उनको पाप नहीं लगता। इसलिए बाप कहते हैं मेरे को याद करने की प्रैक्टिस करो, मैं अभोक्ता हूं, जैसे को याद करेंगे वैसे ही बन जाएंगे। चोर को याद करेंगे तो चोर बन जाएंगे, साहूकार को याद करेंगे तो साहूकारी के गुण आ जाएंगे, विद्वान आचार्य को याद करेंगे तो विद्वता के गुण आ जाएंगे, भगवान बाप अभोक्ता को याद करेंगे तो अभोक्ता के लक्षण आ जाएंगे। जन्म जन्मांतर भोगी बन के आए, अब एक जन्म कर्मेंद्रियों से कर्म करते हुए भी अभोगी बनने का अनुभव करना है, कर्म भी करना है और अभोक्ता भी बनना है, तो पाप कर्म सब नष्ट हो जाते हैं। योगाग्नि है, इस योगाग्नि में पूर्व जन्म के सब पाप भस्म होने वाले हैं और नए बनेंगे भी नहीं। क्यों नहीं बनेंगे? क्योंकि ऐसी प्रैक्टिस कर ली। कैसी प्रैक्टिस? ऐसे बाप को याद करने की प्रैक्टिस पक्की कर ली है जो बाप अभोक्ता है। वो अभोक्ता भोगी में आता है। ये शक्ति रूपी वृक्ष है, इस वृक्ष में 100% भोगी बैठा हुआ है और 100% अभोक्ता बैठा हुआ है। वृक्ष एक ही है, उस वृक्ष में बैठने वाला तनधारी एक ही है और एक ही तन में अभोक्ता भी है और भोक्ता भी है। भोगी सेवा नहीं कर सकता और अभोगी संसार की सेवा कर सकता है। भोगी को अपनी वासना लगी रहेगी भोग भोगने की, तो उसका लक्ष्य अलग हो जाता है।
और अभोक्ता उसमें प्रवेश है, उसको वासना है नहीं। इसलिए बाप दादा कहते हैं तुम बच्चे ये अहंकार मत धारण करो कि मैंने सेवा की, तुम सात तमो प्रधान बने पड़े हो। अभी शूटिंग हो रही है, रिहर्सल भी हो रही है, रिहर्सल ऊंची स्टेज से नीचे की ओर जाती है। पहले सीन की पहले शूटिंग होती है सत्ययुग, फिर दूसरे सीन की शूटिंग होती है सतो सामान्य त्रेता युग, फिर तीसरे सीन की शूटिंग होती है द्वापर युग रजो प्रधान, फिर लास्ट में तामस की शूटिंग होती है, कलयुग की शूटिंग होती है। तो जैसे जैसे शूटिंग की धारा बहती है वैसे वैसे आत्माएं सतो प्रधान सतो सामान्य रजो या तमो पार्ट बनने के लिए बजाने के लिए बांधी हुई है। लेकिन एक बात है, याद करने की प्रैक्टिस बढ़ती जाती है। ये जो याद करने की प्रैक्टिस बढ़ती है वो प्रैक्टिस ही अंत में हमको पार लगा देगी। देवताएं तो याद ही नहीं करते, क्षत्रिय भी याद नहीं करते, द्वापर युग से जब थोड़ा थोड़ा दुख पड़ता है तो थोड़ी थोड़ी याद शुरू होती है और कलयुग के अंत में बहुत दुख पड़ता है तो अति दुख होता है तो याद भी अति की करती है। भक्ति मार्ग में तो याद नहीं होती है, भक्ति मार्ग में भक्ति करते हैं और ज्ञान मार्ग में याद करते हैं। भक्ति मार्ग में पता ही नहीं है कि परमपिता परमात्मा का स्वरूप क्या है तो याद कहां से करेंगे। और अभी तो पता है, बाप खुद आकर के अपना रूप स्वरूप को बताता है कि मैं ऐसा हूं, मैं जो हूं, मैं जैसा हूं, उसे कोई बिरले बच्चे पहचानते हैं। जिनमें जितना ज्ञान होगा उतना ही जानेंगे, जिन्होंने जितनी ज्ञान की धारणा की होगी उतना ही पहचानेंगे। ज्ञान तो रावण में भी था लेकिन वो हठ पकड़ गया कि अगर भगवान भगवान है तो पहले हमसे लड़ाई लड़के दिखाए, हमसे जीत के दिखाए, हमारे पास धन पद मान मर्तबा सब कुछ है, बड़े बड़े अधिकारी हमारे कंट्रोल में हैं, बड़े बड़े पूंजीपति हमारे कंट्रोल में हैं, मल्टी मिलियनर हमारे कंट्रोल में। अगर भगवान है तो हमारे पद मान मर्तबा इसका मुकाबला करके दिखाए। तो ये ज्ञान है या अज्ञान है? ये तो अहंकार हो गया, देहभान हो गया। कहां स्थूल शक्ति और कहां सूक्ष्म शक्ति? सूक्ष्म में ज्यादा पावर होती है या स्थूल में ज्यादा पावर होती है? सूक्ष्म शक्ति अति शक्तिशाली होती है। एटम बम एटम से बनता है, एटम अति सूक्ष्म कण होता है, लेकिन आत्मा और परमात्मा तो इससे भी ज्यादा सूक्ष्म है। आत्माएं उतनी सूक्ष्म नहीं है, परमात्मा उनसे भी ज्यादा सूक्ष्म है। जो अति सूक्ष्म है वो अति शक्तिशाली होता है और जो अति शक्तिशाली है वो ही जीत पाता है आखिरी में। थोड़ा समय संघर्ष चलता है, वो इसलिए चलता है कि बाप बच्चों को आप समान बनाने के लिए आया हुआ है।
इसलिए बाप ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ है। बच्चों को साथ लेकर के जाएगा, बच्चे बाप समान स्टेज को धारण करें और फिर साथ साथ जाए, एक साथ सब वापस जावेंगे, सब गति सदगति को पावेंगे। पहले मन बुद्धि की गति करता हूँ, फिर शरीर की गति सदगति होती है, पांच तत्वों की गति सदगति होती है, मन बुद्धि की गति सदगति करने में टाइम ज्यादा लगता है, क्योंकि मन बुद्धि और उसमें भरे हुए अनेक जन्मों के संस्कार, वो परिवर्तन होने में टाइम लगता है। वो ज्ञान से ही परिवर्तन हो सकते हैं। एक एक मनुष्य आत्मा में नंबरवार वो ज्ञान धारण होता है, एक साथ ज्ञान धारण नहीं हो सकता। जैसे कि चैन बनी हुई है, माला बनी हुई है 500 करोड़ की, एक के पीछे एक मन का जुड़ा हुआ है, जो आगे का मन का होगा वो पहले ज्ञान को पकड़ेगा, आगे का मन का वही होगा जो परमधाम से पहले उतरा होगा, जो परमधाम से आत्मा सबसे बाद में उतरती है वो ज्ञान भी सबसे बाद में धारण करती है। पहले पहले उतरने वाली आत्माएं बहुत ज्ञानी आत्माएं होती है, उनके भी ग्रुप्स बने हुए हैं, 10 ग्रुप बनाए हुए हैं, 10 धर्मों के 10 ग्रुप, उनमें 2 ग्रुप हैं सबसे श्रेष्ठ, सूर्यवंश और चंद्रवंश। त्रेता में जो भी आत्माएं उतरती हैं वो सूर्यवंशी और चंद्रवंशी आत्माएं। जब द्वापर युग आरंभ होता है तो सूर्यवंश और चंद्रवंश लोप हो जाता है, लेकिन सूर्यवंशियों और चंद्रवंशियों के जो संस्कार है वो लोप नहीं होते। विधर्मियों के संग के रंग में आकर वो भी रंग जाते, उनके ऊपर भी असर पड़ जाता है हुजूम का। इसलिए बोला है कि जैसे सोने में खाद पड़ती है तो उसकी कीमत कम होती जाती है, जैसी जैसी खाद पड़ेगी वैसे वैसे कीमत कम होती जाएगी। सत्युग में जो आत्माएं उतरती हैं वो देव आत्माएं हैं, जो पूरे 84 जन्म लेने वाली है वो पक्की देवात्माएं, वो पक्की देवात्माएं मुट्ठी भर आत्माएं हैं। दुनिया के मुकाबले दुनिया की आबादी है 500-700 करोड़, और सत्युग के आदि में जो आत्माएं पूरे 84 जन्म लेने वाले नित्य में है उनकी आबादी है सिर्फ 4.5 लाख। वो 4.5 लाख मनुष्य आत्माएं जो नर से नारायण जैसी बनती हैं, उनमें दूसरे दूसरे धर्मों की खाद पड़ती रहती है। सत्युग आरंभ होता है तो राधा कृष्ण जैसी आत्माएं जो गिरती कला वाली गिरते कला का युग शुरू कर देती है, उनके संग के रंग में आना पड़ता है। त्रेता युग शुरू होता है तो 2 कला कम वाली आत्माएं आती है, चांदी जैसी आत्माएं सोने में चांदी की खाद पड़ जाती है। द्वापर शुरू होता है तो सोने चांदी की तो कीमत फिर भी ज्यादा है, तांबे जैसी क्रोधी और कामी आत्माएं आती है और उनके संग का रंग लगता है उन 4.5 लाख आत्माओं को।
जिनका संग का रंग लगता है वो हुजूम के हुजूम उतरते हैं। जैसे कहते हैं काजल की कोठरी हो, और काजल की कोठरी में कैसा हो ही सयानो आदमी जाए तो काली माँ की लीक पड़ ही पड़ जाएगी, बच नहीं सकती, क्योंकि आत्माओं को ही संग का रंग लगता है। परमपिता परमात्मा को संग का रंग नहीं लगता है, और परमपिता परमात्मा तो 5000 वर्ष ऊपर रहता है, वो तो नीचे आता ही नहीं। तो द्वापर युग से तामे जैसी कामी क्रोधी लोभी मोही अहंकारी आत्माएं आना आरंभ हो जाती है, और हुजूम की तादाद में आती है, तो पक्के भारतवासियों को भी कन्वर्ट कर देती है, संग का रंग लगा देती है। भले ऐसी पक्के होते हैं कि उस जन्म में कन्वर्ट नहीं होते, लेकिन प्रभावित हो गए तो प्रजा तो बनना पड़ेगा, अगले जन्म में जाके प्रजा बन जाते हैं। कलयुग होता है तो लोहे जैसी पत्थर बुद्धि आत्माएं ऊपर से नीचे उतरती है, अब करोड़ों की तादाद में उतरती है, और कहां मुट्ठी भर बच्चे परमात्मा के, तो संग के रंग से तेजी से प्रभावित होती। हाँ, जिन्होंने बहुत योग बल धारण किया है वो अपने अंतिम जन्म तक भी उनसे उनके संस्कारों से लड़ते रहते हैं, विधर्मियों के संस्कारों से। पूरे प्रभावित नहीं होते, लेकिन माया भी सर्वशक्तिवान है। ये माया रूपी रावण है दस धर्मों का, ये रावण जो दस सिर वाला है वो किसी को छोड़ता नहीं है। कोई द्वापर युग से पतित होने लग पड़ते हैं, कोई द्वापर के अंत में पतित होना शुरू होते हैं तेजी से, और कोई कलयुग के अंत में जाकर के पतित बनते हैं। पतित पने की गति अपने अपने प्रकार की है, भले पक्के देवताएं हों। कोई बीज ऐसे हैं जो तेजी से अपने ऊपर दूसरे धर्म का छिलका चढ़ाते हैं, कोई आत्माएं ऐसी हैं जो दूसरे धर्म का छिलका अपने ऊपर चढ़ने नहीं देती, चढ़ता तो है लेकिन उतना असर नहीं पड़ता, इसलिए आखिरी जन्म तक भी कन्वर्ट हुए बिना रह जाती। बाबा कहते हैं अहो मम माया, तुम बड़ी प्रबल हो, जैसे बाप सर्वशक्तिवान है वैसे माया भी सर्वशक्तिवान है, आखिरी जन्म में आकर के उनको भी दबोच लेती, और जब एक बार दबोच लेती है तो इतना जोर से दबोचती है कि छूटने नहीं देती, आती की पकड़। जो आत्माएं 63 जन्मों में इतनी पतित नहीं बनी वो आखिरी जन्म में जाकर के उनसे भी कई गुना पतित बन जाती है। तो जब ऐसा होता है आती के पतित बनते हैं तो उनमें परमपिता परमात्मा से वह प्रवेश करते हैं, उस प्रवेशता की निशानी रुद्रगण दिखाए गए, रुद्र के मणके, रुद्राक्ष के मणके। भक्ति मार्ग में जो रुद्राक्ष की माला बनाई जाती है उन रुद्राक्षों में अनेक मुख दिखाए जाते हैं,
कोई में कम और कोई में ज्यादा मुख होते। कहते हैं एक मुख वाला मणका बहुत मुश्किल से मिलता है और अनेक मुख वाले मणके बहुत मिल जाते हैं। कहीं भी दुकानों पे चले जाओ तो अनेक मुख वाले जो मणके हैं रुद्राक्ष के वो आराम से मिल जाएंगे और एक मुख वाला ढूंढने से भी नहीं मिलता। यादगार कहाँ की है? इस समय की यादगार है। इस समय संगम युग में वो एक मुख वाला मणका जिसमें एक परम पिता परमात्मा बाप दादा ही प्रवेश कर सकता है और कोई दूसरी आत्मा प्रवेश नहीं कर सकती, उस एक का मुख लेने की यादगार है। वो बहुत विरल मिलता है। जिनको मिलता है कहते हैं उन्होंने बहुत कुछ पा लिया, बहुत भाग्यशाली आत्माएं हैं। उनको अनुभव होता है पाना था सो पा लिया। ऐसे ही फिर नंबर वार मणके भी है, कोई में दो मुख की प्रवेशता, कोई में तीन मुख की प्रवेशता, तीन आत्माओं की, कोई में अनेक आत्माएं प्रवेश करती है। ऐसे वो 108 मणके हैं। 108 में 8 बहुत श्रेष्ठ, जो जन्म जन्मांतर जिनकी पूजा होती आई है भक्ति मार्ग में। करें नंबर वार चंद्रवंशी मणकों का ग्रुप, इस्लाम वंशी मणकों का ग्रुप, बौद्धी वंशी मणकों का ग्रुप, सब अपने अपने किस्म के बीज हैं। रुद्र भगवान के बच्चे हैं, नंबर वार राजा बनने वाले हैं, अधिकारी बनने वाली आत्माएं, आधीन बनने वाली आत्माएं नहीं है, एक बाप को मानने वाली आत्मा, एक बाप दूसरा नहीं, और फिर नंबर वार भी है। ऐसे नहीं कि मैं जो हूं जैसा हूं जिस रूप में पार्ट बजाने वाला हूं उस स्वरूप को 108 एक साथ जान लेते हैं, नहीं, उनमें भी 8 हैं जो पहले पहचानते हैं, जो असल सूर्यवंशी मणके हैं, तो नंबर वार पहचानते हैं। जो जन्म जन्मांतर जितने नजदीक रहे होंगे 63 जन्मों में वो उतना ही जल्दी पहचानते हैं। छोटे छोटे बच्चे पैदा होते हैं, साल के हैं, 2 साल के हैं, 4-8 साल के हैं, वो ऐसा बर्ताव करते हैं कि हमें तो बाबा के पास ही जाना है, हमें नहीं अच्छा लगता यहाँ, हम यहाँ नहीं रह सकते, रोते हैं, चिल्लाते हैं, पीटते हैं, माँ बाप को तंग तंग कर देते हैं, आखिर उनको ले जाकर के सरेंडर करना पड़ता है। ये संस्कार कहाँ से आया? पूर्व जन्मों का संस्कार है उनका, उन आत्माओं को कहीं दूसरी जगह दूसरों के साथ अच्छा ही नहीं लगता। तो अनेक जन्मों के संस्कार लेकर के हर आत्मा आ रही है, उत्साह कर रही है, इसलिए बाप कहते हैं बनी बनाई बन रही, अब कछु बननी ना। पूर्व जन्मों के हिसाब किताब से हर आत्मा अपना अपना पुरुषार्थ कर रही है, लेकिन पता नहीं है। जब बात सामने आती है तो पता चलता है कि इनमें ये संस्कार है, ये इस ग्रुप की आत्मा है, पता चल जाएगा। सिर्फ इतना ही पता नहीं चलेगा कि ये किस ग्रुप की आत्मा है,
कौन से धर्म का चोला पहने हुए है, कौन से धर्म का छिलका इसमें जास्ती चढ़ा हुआ है, या कौन से धर्म वालों के संग के रंग में ज्यादा रही है, या कौन से धर्म खंड में पली है ज्यादा, सब कुछ पता चलेगा। एक एक जन्म की हिस्ट्री भी पता चलेगी, पहले अपन को पता चलेगी, बाद में संगी साथियों को पता चलेगी, और बाप के जो नजदीक मन के होंगे वो बाप को भी पहले पता चलेगी, क्योंकि बाप से तो उन 108 सभी का कनेक्शन है। उन 108 बीजों में सारी दुनिया समाई हुई है, सारी दुनिया के स्वभाव संस्कार 500-700 करोड़ की जो दुनिया है वो सब उन 108 बीजों में देखी जा सकती है। इसलिए शास्त्रों में कथा आती है कि पृथ्वी जब गर्त में जा रही थी तो एक नाव में सब तरह के बीज इकट्ठे किए गए ताकि ये कश्ती खलास न हो जाए। कहीं बाबा कहते हैं ये है तुम्हारा चंद्रकांत वेदांत जहाज, नाव नहीं है, क्या है, चंद्रकांत वेदांत जहाज। इस चंद्रकांत वेदांत जहाज की बड़ी महिमा है, जो इनका आसरा लेंगे वो इस विषय सागर से पार चले जाएंगे, डूबेंगे नहीं, वो बीज सुरक्षित बने रहे। अब नई दुनिया तैयार हो रही है, जहाज भी तैयार हुआ पड़ा होगा। भक्ति मार्ग में कहते भी है, हिंदू लोग कहते हैं शंकर चाप जहाज, जेई चढ़े उतरे पार नर बूढ़ सकल संसार। क्या शंकर का जो शरीर रूपी धनुष है वो जहाज के मुआफिक है संसार सागर में, उस जहाज का जिसने आधार ले लिया, आधार पकड़ लिया, वो इस संसार सागर से पार चला जाएगा। अगर कहीं भटक गया और जहाज का आसरा छोड़ दिया, कोई छोटी मोटी दूसरी नवैया का आधार ले लिया, तो हो सकता है डूब जाए। बाप कहते हैं मैं तुम्हारी आत्मा और शरीर रूपी नैया दोनों का पार लगाने वाला एक ही खिवैया हूं। ये ऐसा जहाज है जिसका खिवैया एक ही है, अनेकों उसके खिवैया नहीं है, दस सिर वाला रावण उसका खिवैया नहीं है, माया रावण खेने वाला नहीं है, एक राम ही है जो इस जहाज को चलाने वाला है। उस राम में वो निराकार राम प्रवेश है। ये 16,108 नहीं होंगे, ये होंगे 9,16,108 आत्माएं, सब पार जावेंगे। पार लगने का टाइम भी बता दिया, कितना टाइम होगा, कितना टाइम लगेगा, एक सेकंड, वो तो अपना अपना एक सेकंड सबका अलग अलग है, लेकिन 9,16,108 का बताया, वो सबका पार लगने का टाइम कौन सा होगा। है
अरे संगम युग ज्यादा से ज्यादा कितने साल का बताया? 100 साल। 2036 में वो 9,16,108 सब पार लग जाएगी, कंप्लीट सतयुगी दुनिया शुरू हो जाएगी। ओम शांति।